वीडियो है इस पर। आज की वीडियो है किस तरह से आप स्ट्रेटनर की मदद से अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे बाल है वो ज्यादा कर्ली नहीं है, मुझे कर्ली बाल बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं वो उनको कर्ली बाल पसंद होते हैं, और जिनके बाल कर्ली होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बाल स्ट्रेट हो। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है फ्रेंड्स। लेकिन अपने जो बाल होते हैं उनसे कोई भी संतुष्ट नहीं होती है। लड़कियां वो चाहती हैं उनके बाल ज्यादा और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखें। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप स्ट्रेटनर की मदद से अपने बाल स्ट्रेट कर सकते हैं। तो चलिए, हालांकि मेरे बाल स्ट्रेट ही हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी कि स्ट्रेटनर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से आपको स्ट्रेटनर यूज करना है। सबसे पहले आपको स्विच के अंदर ये लगा देना है, इस तरह से इसका तार आता है और ये स्ट्रेटनर है। आपको इसको 230 पर कर देना है। यहाँ पर इसका बटन दिया गया है और मैंने इसको इस तरह से 230 पर कर दिया है। आप देख सकते हो ये लाइट 230 पर चली गई है और ये 230 पर आ गया है। अब हम अपने बालों को सबसे पहले कर लेंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक गर्म होने के लिए इसको छोड़ देंगे। लहंगा पहनते हो, साड़ी पहनते हो, तो आप बीच वाली जो मांग होती है उसको लेकर ही बाल स्ट्रेट करें, जिससे आपका जो लुक है वो एकदम क्लासिक लुक आएगा, एकदम इंडियन लुक। अगर आपने कोई वेस्टर्न लुक चाहते हो, अगर आप थोड़े से यंग और अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो, तो आप साइड पार्टिंग करने के बाद ही आप जो बाल है अपने स्ट्रेट कीजिएगा। तो चलिए आप देखिए फर्क, जब आप साइड पार्टिंग करते हो तो आप ज्यादा अट्रैक्टिव और यंग दिखाई देते हो। आप देख सकते हो साफ फर्क। जब मैंने यहाँ पर साइड पार्टिंग की है तो मेरा लुक चेहरे का जो फेस का वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर मैं अगर सीधा यहाँ पर जो बीच वाली मांग है, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो मेरे फेस का लुक है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। आप देख सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से आप इस हिसाब से अपने जो ड्रेस के हिसाब से अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हो। इस तरह से आप स्ट्रेट करोगे, इसके हिसाब से अगर आप साइड पार्टिंग के हिसाब से अगर ज़्यादा स्ट्रेट करोगे तो आप ज़्यादा यंग और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे। तो चलिए हम साइड पार्टिंग में किस तरह से अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो चलिए, यहाँ पर ये 1 से 2 मिनट हो चुका है और ये गर्म हो चुका है पूरी तरह से। अब मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपको बालों को स्ट्रेट करना है। सबसे पहले आपको थोड़ी थोड़ी पार्टीशन लेनी है। यहाँ पर मैंने लिया है इतना सा ही, ये हम इसको लेंगे। यहाँ पर आपको जो ऊपर वाला साइड होता है इस तरह से इसको लेना है, और नीचे वाले बाल है वो आपको छोड़ देने हैं, जिससे जो आपके बाल है वो अच्छी तरह से स्ट्रेट हो। तो यहाँ पर हम आपको यहां नजदीक से, ये देखिए नजदीक से मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से आप अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं, ये देखिए। और फिर आप अपने नीचे वाले बालों हैं उनको स्ट्रेट कीजिए। और इसके बाद आप इस तरह से आप अपने बालों को स्ट्रेट कीजिए। आप देखिए इसी तरह से धीरे धीरे आप अपने सारे बालों को स्ट्रेट कर लीजिए धीरे धीरे। सबसे पहले हम ऊपर की जो पार्टीशन है उसको लेंगे और यहाँ से इस तरह से अपने बालों को स्ट्रेट करें। ये देखिए अभी वो जो नीचे वाले बाल हैं वो हम लेंगे, ये देखिए बाल एकदम स्ट्रेट हो चुके हैं बिल्कुल। ये देखिए बालों को स्ट्रेट करना अपने आप बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको पार्लर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है और आप कोई सा भी अफोर्डेबल
ये लेकर और घर में बहुत ही आसानी से आप ये इस तरह से अपने बालों को एकदम जो स्ट्रेट कर सकते हैं। आप अगर बालों को कर्ल करना सीखना चाहते हैं तो अगर उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि उसकी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा ताकि नई नई वीडियो मैं आपके लिए इसी तरह से लाती रहूँ। थैंक यू दोस्तों।